आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं नजीर। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल नजीर कुरैशी के साथ और देख रहे हैं अपना कार्यक्रम आज सुबह। इसमें हम बात करते हैं उस तारीख की महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों की। और आज सबसे पहले बात राजस्थान स्टेट की। दोस्तों, आपको पता है आजादी के पहले हमारा देश बहुत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और सब शासकों के अपने अपने हित थे। और एक के बाद एक रियासतों के विलय के बाद स्टेट्स फॉर्मेशन हुए, उसमें राजस्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान को राज्य बनाने में 22 रियासतों को मर्ज किया गया, 3 ठिकानों को मर्ज किया गया और इस प्रक्रिया के अंदर लगे थे कुल मिला के 8 साल से भी ज्यादा। और 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्टेट अस्तित्व में आया, तो आज राजस्थान दिवस है। और इसी दिन जयपुर को राजधानी बनाया गया था राजस्थान की। 30 मार्च 1992 को प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे को मानद ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बाद में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। एनेस्थीसिया, जिन लोगों का कभी वास्ता पड़ा होगा या परिवार के कोई सदस्य के लिए वास्ता पड़ा होगा बेहोशी के लिए, इलाज के दौरान बेहोश करने का, उसे एनेस्थीसिया जिसे हम कहते हैं, जिसके द्वारा पेशेंट को बेहोश किया जाता है, इसमें ईथर का इस्तेमाल होता है। ईथर का इस्तेमाल सबसे पहले 30 मार्च 1842 को किया गया था। 30 मार्च 1981 को वाशिंगटन में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 30 मार्च 1699 को सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब के आनंदपुर साहब में खालसा की स्थापना की थी। और 30 मार्च 2002 को भारतीय फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी का निधन हुआ था। और आज ही के दिन 30 मार्च 2002 को यूके की राजमाता एलिजाबेथ का निधन हुआ था, 101 वर्ष की उम्र। तो आज के आज सुबह में सिर्फ इतना ही। कल सुबह फिर हाजिर होंगे आज सुबह के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।